शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कारगिल की लड़ाई फिर से शुरू हो गई थी। हमारी पलटन को हिमालय में पटक दिया गया। उम्मीद थी कि यहाँ दुश्मन से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन क्या करें, हमें एक छोटे से पुल की पहरेदारी में लगा दिया गया। सोचा था कारगिल जाके बहादुरी दिखाएंगे, कहाँ पटक दिया इस पुल पे पहरेदारी के लिए। यहीं सड़ना पड़ेगा महीनों तक, मेडल मिलने का चांस भी। सेक्शन प्लाटून, ये तरुण चल, दिल चीर कर वादा करो कि डट कर दोनों पैरों पे खड़े होके मरोगे, लेकिन दुश्मन को पार नहीं होने दोगे। अबे गधे, मैं यहाँ इतने सीरियस से बोल रहा हूँ और तू वहां मूत्र है? मुझे रोका नहीं गया हवलदार साहब। बस कर, जा खाना खा ले। एक बार बोलूंगा, कान खोल के सुन लो। कारगिल जाने का एक ही रास्ता है जो हमारे पुल से गुजरता है। पुल गिरा, रास्ता बंद, हमारे जवानों को कोई सामान नहीं पहुंचेगा। भूखे पेट और खाली बंदूक से कोई जंग नहीं लड़ सकता। मैं इस जगह को अब बहुत बारीकी से समझने लगा हूं। ये नक्शा देखो, इन दो पहाड़ों के बीच से गुजरता है गोगी पास। कुछ हफ्ते पहले गुजरों ने यहां से आतंकवादियों को आते जाते देखा है। अगर मैं दुश्मन होता और कारगिल की लड़ाई को एक ही झटके में पलटना चाहता तो कफन बांध के अपने फिदायन के साथ गोगी पास से उतरता और एक ही झटके में इस ब्रिज को उड़ा देता। समझ रहे हो मेरी बात? दिल्ली से इंजीनियरों की टीम आई पुल का इंस्पेक्शन करने। मोहम्मद अली अपने सवालों की लिस्ट लेकर उनके पीछे लग गया। चंद सवाल पूछने की इजाजत है सर? पूछो। अगर मुझे इस ब्रिज को उड़ाना है तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? क्या बताइए ना सर। आओ मेरे साथ। फिर हमें ब्रिज को उड़ाने के तरीके सिखाए गए। सिर्फ 5 किलो प्लास्टिक एक्सप्लोजिव या RDX भी चलेगा, एक रिमोट पेंसिल टाइमर। यहाँ जहाँ से ब्रिज की शुरुआत होती है इसे पिनियन जॉइंट कहते हैं, बॉम्ब यहीं लगाना है। एक ही झटके में पूरा ब्रिज गिरेगा। सबके दिमाग में बात जम के बैठ गई। उसने हमें दुश्मन का प्लान बताया और उसे मुकाबला करने की तरकीब भी। उस दिन से हम बहुत होशियार हो गए। हर रोज हवलदार मुकाबले की रिहर्सल करवाता हमसे। पासवर्ड। अरे यार, वो पासवर्ड क्या था? पासवर्ड। हाँ यार, एक मिनट, बता रहे हैं। पासवर्ड। अरे बाबा, बता रहे हैं ना। तरुण मर गया, फिर टेक ओवर करो। सर, लेकिन सर मैं जिंदा हूं। तो अब मर गए सर। शुक्र करो इसमें ब्लैंक है, वरना दो बार मरते। नहीं सर, ये गलत है। आप सीनियर, इसका मतलब 3 बार पासवर्ड पूछोगे, उसके बाद कितना भी बड़ा ऑफिसर हो फौरन गोली चलाओगे। ये मेरा ऑर्डर है। जैकेट बन गई? पता नहीं सर, ये कैसा मटेरियल है, एक दर्जन से ज्यादा सुइयां टूट चुकी हैं। केवलार, बुलेट प्रूफ कपड़ा, सिर्फ अमेरिकन आर्मी के पास था, अब आतंकवादियों के पास भी है। संभाल के, लाश काट के निकाला था। भला लाश से काटने की क्या जरूरत है? तो ये थी हमारी जिंदगी। हर रोज आर्मी के सैकड़ों ट्रक कारगिल की दिशा में गुजरते रहते और यहाँ हम नई नई रिहर्सल करते रहते। पहले हम 2 टीमों में बंट गए। टीम ए, जिसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी पुल के नीचे, जहाँ ना खड़े रहने की जगह थी ना बराबर से बैठने की, और टीम बी, जिनका काम था हमले के वक्त दौड़ के टीम ए की मदद करना। और हमला हमला होता था हर दिन कम से कम 4-5 बार। टूट गई। टीम बी, फिर से हमला हो चुका है, फौरन अटैक करो। टीम बी? टीम बी मैं नहीं, आप लोग जाओ 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 जाओ। पता है, पता है। चलो चलो चलो। टीम बी निकली कि नहीं, फौरन रिपोर्ट करो। टीम बी निकल गई है सर, और मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मैं सीनियर था, मुझे पुल की शुरुआत पे तैनात किया गया एक बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ। होंगे, जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे, हाय, यहां हमला नहीं होगा, यहां हमला नहीं होगा, यहां हमला नहीं होगा,
जिमी 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 आजा 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 पासवर्ड। अरे जाने दो, ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी है। पासवर्ड। पासवर्ड? पासवर्ड जवानों की कार्रवाई के लिए होता है, सुना नहीं ब्रिगेडियर साहब की गाड़ी है। पासवर्ड। देखो जवान, बहस मत करो। मेरे एडीसी पे गोली चलाई? पागल हो गए हो क्या? एक देहाती पे गोली चला दी, खूनी हो तुम, खूनी। पासवर्ड बताओ वरना गोली मार दूंगा। मुझे तुम्हारे हवलदार से बात करनी है अभी और इसी वक्त। पहले पासवर्ड बताओ वरना गोली मार दूंगा। पासवर्ड चाहिए था ना तुम्हें? चल पासवर्ड देता हूं। टैंगो पोजीशन। विदाई, हमला करो जल्दी। शेरा और अल्फा खत्म हो चुके हैं, मुझे भी गोली लगी है। तो फिर टैंगो चार्ज लेगा, आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ते रहो, जीत हमारी होगी। जन्नत तेरे नसीब में है, जा। जो हुक्म साहब। रसूल, जाओ जल्दी से उस बॉम्ब को डिफ्यूज करो, जाओ जल्दी।
आपकी पोजीशन रिपोर्ट करो। ओवर। पहले हमले को हमने तोड़ दिया है। और ब्रिज? ब्रिज किसके कब्जे में? ओवर। जब तक हवलदार मेजर भरतली जिंदा है, ब्रिज हमारे कब्जे में रहेगा। साहब आप ठीक है ना? तुमको मुझ पे भरोसा नहीं था ना, क्या हमला होगा? आपको भी हम पे भरोसा नहीं था ना सर, क्या मुकाबला कर सकते हैं? थोड़ी फिक्र थी मुझे, लेकिन तुम लोगों ने बीएसएफ की सदर की और मेरी भी। कायरों की तरह भाग रहे, हुक्म दीजिए सर, मैं उनका पीछा करके एक एक को खत्म कर दूंगा। मेरा प्याज भी चुक गया, अब तुम्हारी बारी है, जाओ। यस सर। रिलीफ टीम लेकर आए हैं, क्या हुआ यहाँ पे? पासवर्ड। पासवर्ड? क्या था पासवर्ड? पासवर्ड। एक मिनट, याद आया, बरसात। मार दिया उसको, ये ले, ऊपर आ जा। सोच रहा है तरुण, कम से कम 50 लोग होंगे और तू अकेला है। यहां से भाग निकल तरुण। लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ बहादुरी काफी नहीं, सही वक्त पे सही चाल ही सब कुछ है। याद रहे, जंग हमेशा यहां से शुरू होती है और यहां पे खत्म।
लोग हैं, पागलों की तरह आउट ऑफ रेंज फायरिंग किया जा रहे हैं। ऐसा करो जैसे इनकी बंदूकें खाली हो, खत्म कर दो सालों को, जाओ। जाओ और बोल दो अपने साथियों को कि मेरे भारत को छोड़कर चले जाएं, वरना तुम में से कोई नहीं बचेगा। जाओ, भाग। ओ, क्या हुआ, क्या हो रहा है वहां पे? अरे इसको कोई ब्रांडी शांडी पिलाओ, जा जा अंदर जा। आशा है कि मेरे हवलदार की आत्मा मुझे देखकर खुश है। सच बात तो यह कि मेरे भारत देश से महान और कोई देश नहीं, और मेरे भी ऐसा से बढ़कर और कोई फौज नहीं। मां, तूने मुझे जितना प्यार दिया उतना तो मैं शायद नहीं लौटा पाया, और अब देने के लिए कुछ रहा भी नहीं। मैं थक गया हूं मां, मुझे अपनी गोद में सोचा रहे।